सो हे गाइस, वेलकम टू द अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। तो अभी बज रहा था सुबह के 6 एंड मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया मैथमेटिक्स से, क्योंकि मैथमेटिक्स में कल ही नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड उसमें 3 लेक्चर्स हो चुके हैं एंड मैं अभी फर्स्ट लेक्चर कर रहा हूँ। तो हमारे चैनल पर 400 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। एंड आप लोग मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस स्टेट से देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियोस कहां कहां तक पहुंच रही हैं। तो मैथमेटिक्स का लेक्चर तो हो गया था हमारा 1.5 घंटे में ख़त्म, एंड बाकी मैंने 1.5 घंटे की एनसीईआरटी सॉल्व। अब टाइम था अपनी फिजिक्स की क्लास लेने का। जैसे कि आपको पता ही है, फिजिक्स में चल रहा है न्यूटन लॉज का चैप्टर, तो उसके हो चुके हैं 8th लेक्चर और ये था 9th लेक्चर। तो मैं अभी इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, और जब से मेरा बैकलॉग हो गया है फिजिक्स में, मैं तब से मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ लेक्चर लेने के बाद डीपीपी सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मेरा बैकलॉग लगभग 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा एंड देन मैं फिर मॉड्यूल्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगूँगा। तो मैं रेडी होके आ चुका था एंड अब मैं कर रहा था अपना लास्ट लेक्चर इनऑर्गेनिक का। ये इनऑर्गेनिक का सेकंड लास्ट लेक्चर था। लगभग इसमें 18 लेक्चर लगे हैं पूरे चैप्टर को कंप्लीट होने में। तो ये 17th लेक्चर था एंड 18th लेक्चर अभी बाकी है। फिर इसके बाद होगी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट। अब मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा, तब मैं पेरियोडिक क्लासिफिकेशन का 1 शॉट देखूंगा, जिससे मुझे पूरा चैप्टर एक ही बार में समझ में आ जाए।